दोस्तों अगर हम 90 के दशक की तरफ रुख करें तो उनमें हमें कई खूबसूरत अदाकाराएं और एक्ट्रेसेस देखने को मिल जाएंगे, जिनमें एक नाम तब्बू का भी शामिल होता है, जिन्होंने कभी अपने सादगी भरे अंदाज से दर्शकों का दिल जीता तो वहीं कभी अपने हुस्न के जलवों से दर्शकों पर बाण चलाती हुई नजर आईं। तभी तो इनके जिस एक्टर की जोड़ी पर्दे पर नजर आई थी तो दर्शक उस फिल्म को देखने के लिए हमेशा बेताब ही रहते थे। लेकिन दोस्तों यूं तो अभिनेत्री तब्बू ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर की है, जिनमें इनके साथ एक्ट्रेस की जोड़ी को दर्शकों द्वारा काफी ज्यादा पसंद भी किया गया। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि उन एक्ट्रेस में से किस एक्टर की जोड़ी तब्बू के साथ सबसे ज्यादा पसंद की गई थी? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे चटपटे और मजेदार सवालों के जवाब देने वाले हैं, वो भी उन अभिनेताओं की जोड़ी से रूबरू करवा कर। तो देर न करते हुए जल्दी से शुरू कर लेते हैं वीडियो को। नंबर 8, नाना पाटेकर। जी हाँ, अभिनेता नाना पाटेकर वही हैं जिनके साथ हमें तब्बू की जोड़ी कई फिल्मों में देखने को भी मिली है, जिनमें तरकीब और कोहराम का नाम सबसे पहले शुमार है। हालांकि इन दोनों के बीच काफी उम्र का फासला है, लेकिन बावजूद ये जोड़ी दर्शकों की काफी ज्यादा पसंदीदा जोड़ियों में से एक रही है, तभी तो इस लिस्ट में इन्हें 8वें पोजीशन पर रखा गया है। नंबर 7, सनी देओल। बॉर्डर, मां तुझे सलाम और हिम्मत जैसी कई चुनिंदा फिल्मों में तब्बू के साथ काम करने वाली अभिनेता सनी देओल इस लिस्ट में 7वें नंबर की पोजीशन हासिल करते हैं, क्योंकि इन फिल्मों के अंदर इनका इनके साथ बॉन्ड तो काफी अच्छा था, लेकिन रोमांस वाली केमिस्ट्री फीकी पड़ गई थी और उसे फीके रोमांस वाली केमिस्ट्री की वजह से ये इस लिस्ट में 7वें नंबर की पोजीशन हासिल करते हैं। नंबर 6, अनिल कपूर। विरासत और बीवी नंबर 1 ही वो फिल्म थी जिसमें अभिनेता अनिल कपूर तब्बू के साथ नजर आए थे, जहां फिल्म की स्टोरी कमाल की थी, लेकिन इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री कुछ कम ही पर्दे पर दिखाई गई थी, जिसके चलते इनकी जोड़ी को दर्शकों द्वारा थोड़ा कम ही पसंद किया गया, जिसके चलते अभिनेता अनिल कपूर का नाम इस लिस्ट में 6वें नंबर पर आता है। नंबर 5, कमल हसन। अगर आप सभी ने चाची 420 फिल्म देखी होगी तो आप अभिनेता कमल हसन को तो कैसे भूल सकते हैं। इसी फिल्म में तो अभिनेता कमल हसन ने तब्बू के साथ काम किया था, जिनकी केमिस्ट्री उतनी खास तो नहीं थी, लेकिन दोनों की जोड़ी को ठीक ठाक ही दर्शकों द्वारा पसंद किया गया था, इसलिए ये नंबर 1 एक्टर की पोजिशन से हटकर नंबर 5 पर अपनी जगह बना बैठे हैं। नंबर 4, नागार्जुन। अब जब तब्बू के साथ किस एक्टर की जोड़ी पसंद किए जाने वाले अभिनेताओं की बात हो ही रही है तो उसमें अभिनेता नागार्जुन का नाम आना तो बनता है, जिन्होंने इनके साथ 3 फिल्मों में काम किया, जिनमें एक नाम साउथ की जबरदस्त फिल्म निन्ने पेलाडत्ता का नाम शामिल है, जहां इस फिल्म में इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को दर्शकों ने इतना ज्यादा पसंद किया था, तो वहीं दूसरी तरफ ऑफ स्क्रीन भी ये जोड़ी दर्शकों पर कयामत ढाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन बस इन्हीं खासियतों की वजह से तो अभिनेता नागार्जुन को 4th रैंकिंग पर खड़ा किया गया है। नंबर 3, संजय कपूर। जी हाँ, प्रेम ही वो फिल्म थी जिसमें अभिनेता संजय कपूर की जोड़ी तब्बू के साथ देखने को मिली थी, जहाँ फिल्म की केमिस्ट्री में दर्शकों का दिल जीत लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों के बीच फिल्म में फिल्माए गए सीन्स ने दर्शकों की सांसें तक रोक के रखती थी। यही जबरदस्त खासियत तो संजय कपूर को इस लिस्ट में 3रे नंबर पर लाकर शामिल करती है। नंबर 2, अजय देवगन। विजयपथ, हकीकत, दृश्यम और दे दे प्यार दे जैसे कई बड़ी फिल्मों में तब्बू के साथ एक अच्छी जोड़ी बनाकर अजय देवगन ने सभी का दिल जीता था, लेकिन इन फिल्मों में इनके साथ केमिस्ट्री भी लाजवाब दिखाई दी थी, रोमांस भी कमाल का था, जिससे कि ये ऊपर के सभी एक्टर्स को पीछे छोड़कर ये नंबर 2 पर अपनी जगह बनाते हैं, क्योंकि ये नंबर 1 वाले एक्टर को पीछे नहीं छोड़ पाए। नंबर 1, मोहनीश बहल। जी हाँ, मोहनीश बहल के साथ ही लगती है तब्बू की सबसे परफेक्ट जोड़ी। इसका सबूत इनकी और उनकी फिल्म हम साथ साथ हैं। इस फिल्म में इन्होंने इनके साथ इतनी अच्छी जोड़ी जमाई कि ये उनके साथ एक परफेक्ट कपल बनकर सामने आए थे। इनके और उनके बीच की लव केमिस्ट्री, बॉन्डिंग और रोमांस वाली केमिस्ट्री सब कुछ काफी ज्यादा परफेक्ट था, जिसके आगे किसी भी एक्टर की जोड़ी तब्बू के साथ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग पाई, और इसीलिए ये बनते हैं नंबर 1 कपल। तो दोस्तों आपको इनमें से किस अभिनेता के साथ तब्बू की जोड़ी सबसे बेस्ट लगती है, आप हमें उनका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, और साथ ही साथ ऐसे ही दिलचस्प खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।